देखिए क्या दिया, बर्तन में कितना लीटर दूध है, 50 लीटर, तो जितना रहेगा दूध उसको लिख देंगे। उसके बाद 5 लीटर दूध निकाला गया इसमें से, और उसके जगह क्या डाल दिया गया, पानी। एक बार ये हुआ, दूसरा बार पानी और दूध मिश्रण ना हो गया वो, तो अब निकाला जाएगा 3-5 लीटर, लेकिन वो क्या चीज से निकाला जाएगा, मिश्रण से। तो दूध भी निकलेगा और पानी भी। एक प्रक्रिया एक बार और किया जाएगा, 3 बार हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको बताया फॉर्मूला, 1 माइनस जितना निकाले उसको लिखेंगे 5, जितना में निकाले हैं कितना में निकाले हैं 50 में। जो अगर प्रक्रिया किया जाएगा उतना पावर दे दिया जाएगा, कवर किया गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 5 से 1 बार में कटेगा, 10 बार में 50, 10 और माइनस ऊपर में का 1 है ना, 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9/10 का होल क्यूब। 50 9 का क्यूब कितना होता है, 729, 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000। 50 से 1 बार में कटेगा, 20 बार में, 2 से इसको कटाएंगे, ये हो जाएगा आपको 364.5 बट्टा 10, 10 रहेगा ना, 2 से 20 कटेगा, तो फिर 10 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37.45 लीटर, इतना दूध क्या होगा बचेगा। देखिए सबसे पहले दूध कितना है, 100 लीटर, ठीक है, अब 10-10 लीटर निकाला जा रहा है, तो क्या बताया फॉर्मूला, 1 माइनस 10 कितने लीटर निकाला जा रहा है, 100 लीटर। पहले निकालेंगे एक बार तो दूध निकाल के पानी डाल दिया गया, दूसरे बार क्या हुआ, मिश्रण में से निकाल के 10 लीटर, अभी फिर प्रक्रिया एक बार किया, 3 बार किया गया, पावर कितना हो जाएगा, 3, 100 कट जाएगा, 100 10 माइनस 1 9 हो गया, 9/10 का होल क्यूब, ठीक है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729, 10 का क्यूब 1000, ठीक है, 100 से कट देगा, 2 0 कट गया, 10 है तो पीछे से को डेसिमल दे देंगे, तो 72.9 लीटर आंसर हो गया, इतना दूध बचेगा ना। देखो दो अलग अलग मूल्य का चावल को मिलाकर 46 रुपए प्रति के जी बेचना है ताकि 15% लाभ हो जाए, तो 46 रुपए प्रति के जी जब बेचते हैं तो लाभ कितना होता है, 15% है, ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, 46 को गुना कर देंगे क्रय मूल्य के लिए किससे, 100/115 से 15% जो लाभ हुआ, ठीक है, 23×2=46, 23×5=115, 20×5=100, 20×2=40, यानी कि चावल का क्रय मूल्य कितना रुपया था, 40 रुपया। हम मिश्रण वाला नियम लगाओ, 40 रुपए में बेचना ना, कितना वाला चावल एक है, 37 वाला, ये कौ किलो है ये नहीं पता, लेकिन 48 रुपया 40 पैसा वाला कौ किलो है, 25 किलो, ठीक है, ये है 25 किलो, ये कौ किलो मिलाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देगी, 40 रुपए में ये दोनों मिला कर क्या होता है, मिश्रण का नियम क्या होता है, 40 में 37 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3, 40 में 48.40 तो 8.40, 12 वाला माइनस करते हैं, ठीक है, डेसिमल हटाना है, डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 84, डेसिमल के बाद एक अंक था, इधर एक उसमें क्या करेंगे, बढ़ाने के बाद जैसे अनुपात कितना हुआ, 84/30, ठीक है, फिर कटेगा 6 से 14 6 84, और ये 6×5=30, 14/5, तो 5 इकाई बराबर कौ के जी है, 25 केजी, 1 इकाई बराबर कितना केजी हुआ, 5 केजी, इसके बारे में पता करना है, कौ इकाई है, 14 इकाई, 14 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 14×5=70, यानी कि 70 केजी मिलाना पड़ेगा 37 रुपए का चावल। देखिए दो अलग अलग मूल का चाय है और उसको मिलाकर मिश्रण बनाकर 68 रुपए 20 पैसा में बेचा जाता है, तो 10% क्या होता है, लाभ होता है, 68 रुपया 20 पैसा में बेचा गया तो 10% लाभ हुआ, ठीक है, इसका क्रय मूल्य क्या, क्या करेंगे, 68 रुपया 20 पैसा को 100/110, ठीक है, 11 से कटाएंगे इसको, ये सुनना इससे कटा दिया, 11 से इसको कटाएंगे, 11×66, 11×2=22, कौन पे आया, 62, डेसिमल हट जाएगा, 10 कट जाएगा, ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो 10 क्या हो गया, कट गया, यानी कि उसका क्रय मूल्य कौन पे था, 62। मिश्रण का नियम में लगाते हैं, 1 60 रुपए वाला चाय है,
एक 65 रुपए वाला फ्रेड कितना में दिया गया है 62 में, 62 में 60, बड़ा लम छोटा वाला माइनस होगा 2, 65 में 62 3, यानी किस अनुपात में चाय को मिलाना है 3:2। देखो मिश्रण में दो द्रव है ए और बी, ए का अनुपात है 7, तो इसको क्या मान लेंगे 7x, बी का कितना है 5, तो क्या मान लेंगे 5x। ठीक है, 9 लीटर मिश्रण निकालना है तो 9 लीटर में ए का कितना भाग होगा पहले ये निकालना पड़ेगा, तो 9 को गुना करेंगे किससे 7/12 से, आधा समझ में, इसको 9 को गुना करके किससे 5/12, 12 क्या हो गया दोनों का जोड़कर 7/5, 12, इसका 5 भाग है और इसके कितना भाग है 7/12, 3 3 9, 3 4 12, 7 3 21/4 भाग इसका मिश्रण निकलेगा, कौन लीटर निकलेगा तो 9 लीटर, ए का 21/4 भाग इसका 3 3 9 15/4 भाग किसका निकलेगा बी का, ए वाला में माइनस करते हैं कितना 21/4 यही ना बच जाएगा यहीं शेष, अब बी वाला में माइनस करेंगे 5x-15/4, लेकिन बी वाला ही डाल देते हैं तो 9 लीटर निकाले तो 9 लीटर कहाँ डालेंगे बी वाला में ना +9, समझ आ रहा है, ये सॉल्व करेंगे 7 6 28x-21/4 ठीक है, और ये होगा आपको 9 6 36, 36 में 15 गया तो 21, 21 क्या चीज है प्लस में ना, तो 21 प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x+21/4, इसी तरह सॉल्व करेंगे 5 6 20x+21/4, अब ये दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 7:9, ये दोनों का अनुपात लिखेंगे तो अनुपात जब लिखेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, क्या बचा 28x-21/21 7/9, 9 को गुना करेंगे किससे 28x-9 माइनस 21x-9 बराबर 7 को गुना करेंगे 7x-20x प्लस 21x-7, 28 को 9 से गुना करेंगे कितना आएगा जी आपको 252x, 21 में 189, ठीक है बराबर 20 से 140x, 21 से 147, ठीक है 140x इधर का क्या हो जाएगा माइनस, तो 252 में 140x माइनस होगा कितना बच जाएगा 112x है ना, 189 इधर आके 147 में क्या होगा जुट जाएगा 9 7 16 का 6 हाथ बचाइए, 8 4 12 13 का 3 हाथ बचाइए, 1 1 2 1 3, 112 से कौन बार में कटेगा 3 बार में, 336/112 कौन बार में कटा 3 बार, क्या आया 3। अब क्या पूछ रहा है आरंभ में कणस्तर ए की मात्रा कितनी थी, कितना माने 7x ना, 7 से गुना कर देंगे 7x बराबर तो 7 × 3 कितना लीटर 21 लीटर। देखिए दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी, केवल पानी का प्रतिशत बता रहा है, एक में था 20%, दूसरे में मिश्रण में पानी कितना परसेंट है 30% है ना, यानी पहला में 80% क्या हो गया दूध हो गया और उसी तरह उसमें दूसरा में 70% क्या हो गया दूध हो गया, यहाँ केवल पानी का जिक्र हो रहा है कि मिश्रण में पानी का, और दोनों मिश्रण में पानी का प्रतिशत जब मिला दिया गया है तो एक दूसरे मिश्रण में कितना परसेंट हो रहा है 24%, तो इसका मतलब है 24 - 20 कितना हुआ 4 हुआ, 20 - 24 6 हुआ, इस अनुपात में क्या हुआ है दोनों को मिलाया गया तो टोटल क्या लीटर है 50 लीटर बराबर, तो एक इकाई 6 4 10, 50 में 10 से भाग करेंगे तो एक इकाई बराबर कितना आ गया 5 है ना, 5 लीटर आ गया एक इकाई बराबर, तो कह रहा है दूसरे मिश्रण में कितना लीटर पानी लिया गया 4 इकाई लिया गया है ना, 4 इकाई बराबर 4 × 5 कितना लीटर हो गया 20 लीटर। देखिए दूध तथा पानी का 40 लीटर के मिश्रण में 25% पानी था, ठीक है, और 30% पानी वाला कितना लीटर मिला है, ये 25% वाला कई लीटर है 40 लीटर, 30% वाला कितना लीटर ये पता
नहीं, अब ये दोनों को मिलाकर जब मिश्रण बनाया गया, कै परसेंट का बना? 28% का बना, ठीक है। तो 28 माइनस 25 कितना हुआ? 3, और 30 माइनस 28 कितना हुआ? 2। 2:3 में ये क्या हुआ बेटा है? 2 इकाई बराबर कितना है? 40 लीटर। 3 इकाई बराबर कितना होगा? 2 इकाई बराबर 40 लीटर। तो 1 इकाई बराबर होगा आपको 20 लीटर, है ना। 3 इकाई का निकालना है हम लोगों को, 3 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 60 लीटर। देखो बर्तन में सबसे पहले 60 लीटर क्या है? दूध है, ये 60 लीटर मिल्क है। अब 10 लीटर दूध उसमें से निकाल लेना है, ये मिल्क लिख दिए, 1 लीटर मिल्क बच गया 50। 10 लीटर मिल्क निकाल के उसके जगह वाटर डाल देंगे, कितना लीटर? ये पहला काम के बाद हुआ, ठीक है। अब पुनः 10 लीटर मिश्रण निकालना है। अब जब पानी मिश्रण निकालेंगे तो पानी भी निकलेगा और दूध भी निकलेगा, दोनों में निकलेगा, क्योंकि दोनों क्या हो चुका है? मिल चुका है। पहले तो केवल दूध था, तो दूध 10 लीटर निकाले तो 50 लीटर बच गया, 10 लीटर पानी डाल दो, ठीक है, उसके जगह। लेकिन अब जब निकालेंगे तो ये जो है 5 और 50 और 10 इकाई मिलेंगे, तो 5:1 हुआ ना, इधर साइड में हम कर रहे हैं, 5:1 हुआ, तो 5 और 1 कितना हुआ? 6 इकाई 10। टोटल मिश्रण कितना निकालना है? 10 लीटर। 10 6 इकाई बराबर 10, 1 इकाई बराबर कितना निकलेगा? 10/6, यानी कि 5/3, है ना। इसमें से 100 इकाई निकालेंगे, 5 इकाई ना, मिल्क का 5 इकाई निकलेगा। जब हम 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो मिल्क है 50 लीटर, निश्चित रूप से मिल्क ज्यादा निकलेगा, कितना इकाई? 5 इकाई अगर ही निकलेगा तो ये कितना निकलेगा? 1 इकाई निकलेगा। तो 1 इकाई बराबर 5/3 आया, तो पानी कितना निकलेगा? 10 माइनस 5/3। अब मिल्क कितना निकलेगा? 5 इकाई बराबर क्या हो जाएगा? 5×5 25/3 होगा। तो मिल्क कितना निकलेगा? 50 माइनस 25/3। आ रहा है समझ में? 50 + 150 - 25 कितना हो गया? 125/3। ये मिल्क बचेगा, तो दोबारा जब पूरा मिश्रण में से 10 लीटर निकालते हैं, ठीक है, बचेगा 10 * 30 - 5 = 25/3। पानी इतना बचेगा, 25/3, 10 * 30 - 5 = 25/3 हो गया ना। लेकिन पानी जो है 10 लीटर जो मिश्रण निकला उसके लिए क्या डाल रहे हैं? पानी डाल रहे हैं, पानी में ना पानी ऐड होगा, ये कितना हो गया? 10 * 30 = 25 = 55/3। पहला प्रोसेस हुआ था 60 लीटर में 10 लीटर दूध निकालकर क्या मिला दिया गया? पानी। 50 लीटर दूध हो गया, पानी 10 लीटर, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ कि 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, जब 10 लीटर मिश्रण निकाल जा रहा है तो दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा, तो दूध कितना निकलेगा? 25/3, पानी कितना निकलेगा? 5/3, तो दूध कितना बच गया? 125/3, पानी कितना बच गया? 25/3। फिर जो 10 लीटर मिश्रण निकला उसके लिए क्या करना है? पानी डालना, दोनों जुट जाएगा ना, पानी और हमने पानी जुटेगा 55/3। अब एक बार और करना है, इतना फिर 10 लीटर मिश्रण निकालना है, समझ में आ रहा है। तो पहले ये दोनों का 125/3 और ये कितना है? 55/3। ये दोनों का इकाई देखेंगे, 3 3 तो हट गया, 125 पांच से कवर करता है, 25 बार में 55 11 से कौन इकाई हुआ? 36 इकाई, ठीक है। तो 10 लीटर दूध के लिए 1 इकाई कितना हो जाएगा? 10/36। आ रहा समझ में? तो ये 10/36 5/18, तो इसमें से कौन इकाई होगा? 11 इकाई ना, इसमें से कौन इकाई होगा? 25 इकाई, किसमें से? दूध में से। तो 25 × 5/18 किसमें? इसमें माइनस होगा, 125/3 - 5/18 × 25 = 125/3 दूध का हुआ, पानी का कितना है? 55/3 है, क्योंकि 10 लीटर उसमें जुट चुका है। अब माइनस करेंगे कितना? 11 इकाई ना, 1 इकाई बराबर 5/18, 11 इकाई बराबर 55/18, ठीक है। क्योंकि अब पानी कितना बचा इससे हमें मतलब नहीं, सवाल पूछ रहा है कि अंत में दूध कितना बच जाएगा, तो ये वाला चीज हमें निकालना है। 18 × 3 = 18, 6 होगा ना, 3 से डिवाइड होगा, तो 6 × 125 -125, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसकी जरूरत अभी नहीं है। 6 × 125 = 125, 5 × 125 = 18,
125 पर 625 बटा 18 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 34.72 लीटर, ये दूध बचेगा लास्ट। देखिए अब इसको एक बार पुनः हम आपको बताते हैं, 60 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध निकाल देना है तो कौन लीटर दूध बचा, 50 लीटर, और दूध की जगह क्या डाल देना है, पानी, कौन लीटर पानी बचा, 10 लीटर, दूध कितना बचा, अब फिर से 10 लीटर निकालना है, लेकिन अब 10 लीटर निकालेंगे जो तो चूंकि दूध और पानी मिल चुका है 7 लीटर में, तो दूध में से भी निकलेगा और पानी से भी, दूध 50 लीटर है, दूध ज्यादा निकलेगा, पानी 10 लीटर तो क्या होगा, कम निकलेगा, तो अगर इसको 5 इकाई मान ले, 10 से अगर भाग करते हैं दोनों में, 5 इकाई हो गया, ये 1 इकाई, दूध कौन इकाई निकलेगा, 5 इकाई ना, पानी कौन इकाई निकलेगा, 1 इकाई, तो 5 और 1 6 इकाई बराबर कौन लीटर निकालना है, 10 लीटर ना, तो 1 इकाई बराबर कितना निकलेगा, 5/3, तो 5 इकाई कौन निकालना है, दूध, 1 इकाई बराबर 5/3, तो 5 इकाई बराबर 25/3, तो 25/3 5 इकाई बराबर हो गया, ठीक है, 25/3 को माइनस कर देंगे किसमें, 50, माइनस करेगा कितना होगा, 30/150 ये बचेगा कौन, दूध, लेकिन 10 लीटर जब निकालेंगे मिश्रण में से तो खाली दूध ही नहीं निकलेगा, पानी भी निकलेगा, पानी कितना इकाई निकलना है, 1 इकाई, 1 इकाई बराबर कितना होता है, 5/3, पानी पहले से कितना था, 10 माइनस 5/3 किए, 10 + 30 - 5 = 25/3, ये बच गया कौन, पानी, अब 10 लीटर जो मिश्रण निकला उसके जगह पर क्या डाल देना है, पानी डाल देना, पानी में ना पानी छूटेगा, 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया पानी, 55/3। अब एक बार यही काम फिर से करना है, मतलब कि फिर से 10 लीटर निकालना है, तो फिर से 10 लीटर निकालेंगे तो दूधों में से निकलेगा और पानी में से भी निकलेगा, दूध में से कितना निकलेगा, तो अब हमारे पास कितना बच गया, 125/3 दूध बचा हुआ था, पानी कितना बचा था, 55/3, तो 3 को हटा दिए इकाई बनाने के लिए, 125 को 5 से करेंगे तो 25/125 11/55 यानी कि 25 इकाई है कौन, दूध, 11 इकाई कौन है, पानी, दोनों का इकाई मिला देंगे कितना होगा, 36 इकाई, 36 इकाई बराबर 10 लीटर पानी लेना है, तो 1 इकाई बराबर कितना पानी निकलेगा, 10/36 माने 5/18, 1 इकाई बराबर 5/18 दूध कौन इकाई होगा, 25 इकाई, 25 गुणे 5/18 कितना हो जाएगा, 125/18 माइनस करेंगे इसमें, 125/3 ठीक है, इसमें दूसरी तरह से आपको कोई का 11 इकाई है ना, 11/55/18 माइनस करेंगे किसमें, 55/3, ये जो पानी बचेगा उसमें 10 लीटर और पानी डालना है, लेकिन हमको पूछ रहा है क्या सवाल में, मिश्रण में कितना लीटर दूध बचेगा, हम लोग जो दूध वाला सॉल्व करते हैं तो 18/3 कैल्सियम कितना हो गया, 18 और 6/3 से डिवाइड होगा 6 × 125 माइनस 125, तो 6 × 125 में 125 5 × 125 बच गया, माइनस हो जाएगा बटा 18, 125 × 5 = 625 करके 3 बार, 10 लीटर एक बार, फिर पानी मिला दिया गया, फिर 10 लीटर एक बार और फिर एक बार, ये प्रक्रिया टोटल 3 बार हुआ है, ठीक है, तो 1 माइनस कौन लीटर निकाला गया है, 10 कौन लीटर में, 60 लीटर, कौ बार, 3 बार, ठीक है, इसी को सॉल्व कर देंगे, 60 - 10 50/7 हुआ ना, कौ बार, पावर कितना है, 3, सुना से सुना कट गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 60 × 5/6 × 5/6 × 5/6 ठीक है, कौ बार में कटेगा, 10 × 10 = 50 50 × 250 1250 ऊपर में हो गया, 1250 नीचे 6 6 36 डिवाइड करेंगे तो यही क्या जाएगा, कितना, 34.72 मीटर।